नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फोर्ड्रम क्रीम के बारे में। फोर्ड्रम क्रीम के यूजेज, साइड इफेक्ट और डोसेस सभी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जानते हैं क्रीम के बारे में। फोर्ड्रम क्रीम सिप्ला ब्रांड की, और इसकी मार्केट प्राइस 97 रुपीज़ है। और फोर्ड्रम क्रीम के लाभ, त्वचा का संक्रमण का इलाज। फोर्ड्रम क्रीम दवाओं का एक मिश्रण है जो बैक्टीरिया और फंगी जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण हुई त्वचा का संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह इन्फेक्शन पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने और उन्हें बढ़ने से रोकता है, जिससे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और लक्षणों से राहत मिलती है। यह खुजली, लाली मांस, सूजन पैदा करने वाले केमिकल के रिलीज को ब्लॉक करता है। इसलिए यह दवा इन संक्रमणों के कारण होने वाली सूजन से भी लाभ भी राहत दिलाती है। बीमारी के लक्षण खत्म होने के बाद भी आपको जब तक इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए तब तक इसको लेने की सलाह दी गई है, अन्यथा लक्षण वापस आ सकते हैं। जिस इन्फेक्शन का इलाज आप करवा रहे हैं उससे उसके प्रकार और आधार पर यह कई हफ्ते हो सकते हैं। आपकी त्वचा पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी आपको कभी कभी लक्षणों के वापस आने से रोकने के लिए इसे लगाना पड़ सकता है। फोर्ड्रम क्रीम के कुछ साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और नियमित रूप से इस दवा का सेवन करने से या लगाने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं, लक्षण बिगड़ने लगते हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। फोर्ड्रम क्रीम के सामान्य साइड इफेक्ट जैसे खुजली, त्वचा का पतला होना, इस्तेमाल वाली जगह पर जलन। फोर्ड्रम क्रीम का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा केवल बाहरी इस्तेमाल के लिए है। इसे डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार ही ले। इस्तेमाल करने से पहले लीवर की जांच कर ले, प्रभावित हिस्से को साफ करें और सूखने के बाद वह क्रीम लगाए। इसे लगाने के बाद अपने हाथों को धो ले। अगर प्रभावित हिस्सा हाथों पर हुई तो हाथ ना धो। फोर्ड्रम क्रीम प्रकार यूज करने के कुछ खास टिप्स। आपकी त्वचा का संक्रमण के इलाज के लिए फोर्ड्रम क्रीम लेने की सलाह दी गई है। आपकी त्वचा का माइल्ड क्लीजर से धो ले और लगाने से पहले पोंछ कर सुखा ले। संक्रमण से प्रभावित साफ और सूखे बिना फटी त्वचा पर इसे एक पतली परत में लगाए जाने पर यह मामूली जलन, चुभन या खुजली का कारण बन सकता है। अगर यह परेशानी जल्दी खत्म नहीं होती तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपनी ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।